Assalamu alaikum. Welcome back, class. Open your English Broadway books and go to page number 12. Let's continue reading the chapter. Two mutton koftas were all that I was allowed with my plate of rice. I liked koftas, still do, and it was painful for a small boy to have to stop at two. Now that I'm a grown man with an independent source of income, I help myself to four. Who can stop me? राइटर यहाँ बताते हैं कि उनकी दादी उनको सिर्फ दो मटन कोफ्ताज खाने देती थी उनकी चावल की प्लेट के साथ और उनको कोफ्ताज बहुत पसंद थे तो एक छोटा बच्चा होते साथ और दो पे रोकना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता था अब जब वो बड़े हो गए हैं और ख़ुद कमाते हैं तो वो चार कोफ्ताज खाते हैं वो कहते हैं अब मुझे रोक भी कौन सकता है There are no difficult words in this paragraph for you to write. Let's move on to the next paragraph. Dr. Baig, who drops in to see me once a year, remarked that I looked overweight and that I should cut down on my food intake. Dr. Baig, writer ke doctor hain, jo ke salana visit karte hain, aur unhone writer ko dekhkar kaha ki ab jo hai wo मोटापे की तरफ जा रहे हैं और उनको अपना खाना थोड़ा कम करना पड़ेगा सो लेट्स सी व्हाट द डॉक्टर सेज नेक्स्ट व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच ही आस्क्ड कोफ्ता करी एंड राइस हाउ मच राइस जस्ट टू स्मॉल हेल्पिंग्स एंड हाउ मेनी कोफ्ताज ओनली फोर डोंट हैव मोर देन टू ही एडवाइज्ड यस ग्रैनी आई सेड डॉक्टर बेग गिव मी अ पजल्ड लुक सॉरी आई सेड I thought you were my grandmother. Now he thinks I've got Alzheimer's. डॉक्टर राइटर से पूछते हैं कि उन्होंने लंच में क्या खाया वो बताते हैं कि मैंने कोफ्ता करी और चावल खाए फिर डॉक्टर पूछते हैं कि आपने कितने चावल खाए तो वो कहते हैं बस दो दफ़ा लिए थे डॉक्टर ऑथर से पूछते हैं कि आपने कितने कोफ्ते खाए और राइटर बड़े फख्र से कहते हैं कि सिर्फ चार इसकी वजह से डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि दो से ज़्यादा ना खाया करें इस बात पर राइटर को याद आ जाता है अपनी दादी जो कि उनको सिर्फ दो कोफ्ते खाने देती थी और वो इसी वजह से तंजी अंदाज में यस ग्रैनी कहते हैं इस वजह से डॉक्टर बेग उनको एक पजल्ड लुक देते हैं अ पजल्ड लुक इज दैट लुक जिसमें यू आर एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स गोइंग ऑन ऑथर पर अपोलोजाइज करते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे लगा था कि आप मेरी दादी हैं इसकी वजह से डॉक्टर बेग को अब लगता है कि उनको अल्ज़ीमर्स है अल्ज़ीमर्स इज अ डिजीज इन व्हिच अ पर्सन स्टार्ट्स टू सफर मेमोरी लॉस एंड द एबिलिटी टू थिंक ग्रेजुअली लेट्स लुक एट द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स फॉर दिस पैराग्राफ देयर इज ओनली वन वर्ड अल्ज़ीमर्स अल्ज़ीमर्स इज अ डिजीज इन व्हिच अ पर्सन स्टार्ट्स टू सफर मेमोरी लॉस एंड द एबिलिटी टू थिंक ग्रेजुअली राइट डाउन अल्ज़ीमर्स After the word stern in your notebook. Let's start with the next paragraph. Talking of marigolds, Granny surrounded her house with them as she believed they kept snakes away. Apparently, snakes do not like their pungent aroma. I still believed in this folklore until I was told by an expert on reptiles that snakes do not have a strong sense of smell and would be impervious to the scent of flowers or other odors. Maybe so, but I don't recall ever seeing a snake in Granny's garden, although I did see them elsewhere. However, we did have plenty of frogs thanks to the disused fountain installed by my grandfather but neglected after his death. Let's look at the difficult words. Pungent aroma. Repeat after me these difficult words. Pungent aroma. We have one more difficult word in this paragraph. It's impervious. Repeat after me. Impervious. Now let's understand what this paragraph really means. Writer यहाँ कहते हैं कि अब हम marigolds के बारे में बात करते हैं और मेरी दादी जो हैं वो marigolds को अपने घर के आसपास रखती थी उनको लगता था कि marigolds से snakes दूर रहते हैं उनको ये लगता था कि जो बहुत तेज़ खुशबू थी इन marigolds की इनकी वजह से snakes दूर रहेंगे और वो भी इस कहानी पर यकीन करते थे
फोकलोर मतलब जो पुराने वक्त से एक बात चलती आ रही है, एक तरह का कस्टम, एक ट्रेडिशन जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बस उस पर यकीन करते थे। लेकिन उनको आगे जाके पता चला कि स्नेक्स को तो स्मेल ही नहीं आती है। इसका ये मतलब हुआ कि उन पर तो कोई असर ही नहीं होगा इस खुशबू का। लेकिन ये है कि उन्होंने कभी भी ना कोई सांप देखा नहीं है अपनी दादी के गार्डन में। लेकिन फिर इसकी ये भी वजह हो सकती है कि उनके पास, उनके घर के आसपास बहुत सारे फ्रॉक्स थे। लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पैराग्राफ। द फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड फॉर विच यू गोइंग टू राइट अ मीनिंग इज फोकलोर। इट्स मीनिंग इज अ मिथ। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, फोकलोर अ मिथ। द सेकेंड वर्ड मीनिंग दैट यू आर गोइंग टू बी राइटिंग डाउन इन योर नोटबुक्स इज इम्परवियस। रिपीट आफ्टर मी, इम्परवियस। इट मीन्स अनएबल टू बी अफेक्टेड बाय। राइट डाउन इन योर नोटबुक्स, इम्परवियस, अनएबल टू बी अफेक्टेड बाय। टिल नाउ यू वुड हैव रिटन सिक्स वर्ड मीनिंग्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। द फाउंटेन हैडन फंक्शन फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, but the little reservoir in which it stood had filled up with rainwater and was now covered with water lilies. राइटर यहाँ कहते हैं कि जो फवारा जो उनके ग्रैंड फादर ने बनाया था वो कई सालों से काम नहीं कर रहा था। राइटर यहाँ कहते हैं कि फवारा कई सालों से इस्तेमाल में नहीं आया था, मगर जिस रिजर्वॉयर में वो था उसमें बहुत सारा पानी जमा हो गया था बारिश की वजह से, और अब ये वाटर लिलीज से ढका हुआ था। क्लास, लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर दिस पैराग्राफ दैट यू विल बी राइटिंग इन योर नोटबुक्स। वर्ड इज रिजर्वोर। रिपीट आफ्टर मी, रिजर्वोर। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे आफ्टर एन एक्सपीडिशन टू द कैनाल हेडवर्क, आई ब्रॉट होम सम स्मॉल फिश इन अ बकेट and introduced them to the lily pond. I hadn't paid much attention to the tadpole swimming around in the bucket. Well, the fish died as they were used to fresh running water and not stagnant water, but the tadpoles did very well. And before long, we had frogs leaping all over the place. Very soon, the frogs multiplied. They would come into the veranda at night and keep us awake with their incessant singing and warbling. Let's understand what has been written in these three paragraphs. राइटर कहते हैं कि एक दफ़ा वो कनाल हेड वर्क से एक्सपेडिशन से वापसी पर एक पूरी बकेट छोटी मछलियों से भर कर लाए, लेकिन लिली पॉन्ड के लिए। लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं कि उसमें टैडपोल्स भी थे। टैडपोल्स फ्रॉग के छोटे बच्चे होते हैं। वो कहते हैं कि फिश तो फौरन ही मर गई क्योंकि उनको आदत थी फ्रेश वाटर की, ना कि एक ऐसा पानी जो बहुत अरसे से पड़ा हुआ है। लेकिन टैडपोल्स जिंदा रह गए और वो टैडपोल से फ्रॉग बन गए, और ये फ्रॉग हर जगह फिर जंप कर रहे थे। राइटर कहते हैं बहुत ही जल्द ये फ्रॉग्स मल्टीप्लाई कर गए, यानी कि नंबर में ज़्यादा हो गए। फिर वो वरांदा में आते थे। वरांदा एक वो प्लेस होती है जो घर के बाहर होती है, एक स्मॉल गार्डन टाइप रात में, और वहाँ आके वो शोर करते थे जिसकी वजह से वो जागते रहते थे और सो नहीं पाते थे। Let's move towards the next paragraph. I can't sleep a wink, complained Aunt Mabel, who was sensitive to noise and allergic to coils made up entirely of bass singers. Aunt Mabel writer ki auntie thi jo ki noise se sensitive thi aur allergic thi coils se. Coils wo hote hain jahan pe group of people saath mein ga rahe hote hain, aur unko aise coils se masla tha jisme bass singers mainly hote the. और यहाँ पे बेस सिंगर्स फ्रॉग्स हैं। अब हम इन चारों पैराग्राफ के डिफिकल्ट वर्ड्स पे फोकस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स द वर्ड मीनिंग्स। द डिफिकल्ट वर्ड्स दैट यू विल बी राइटिंग डाउन इन योर नोटबुक्स आर एक्सपेडिशन एंड एलर्जिक। रिपीट आफ्टर मी, एक्सपेडिशन, एलर्जिक। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द वर्ड मीनिंग्स दैट यू विल बी राइटिंग डाउन। We're going to write down the word meaning for stagnant and wobbling. Let's look at the word meaning. Stagnant means motionless. Write on your notebooks after impervious, stagnant, which means motionless. Then write down wobbling.
sing in a trilling or quavering voice. Warbling, sing in a trilling or quavering voice. Before ending this lecture, let's look at the picture. You can look at this young boy. This is probably the writer who is putting in the fish in this fountain, this reservoir, and you can see the water lilies. And this is probably the aunt or a gardener. But you can see this action that is happening over here that was mentioned previously in the paragraphs. This is it for today, class. We'll continue the exercise in the next lecture. Do read the chapter once again. Love.